सर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है, किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं? भाई, बेसिकली हमने नागरिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं कि किस तरह का सेम टाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कोर्ट के आसपास स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं उसको भी एड्रेस कर सके, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के और जो सिक्योरिटी है उसका। सर, जैसे आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भी काफी ज्यादा बैरिकेटिंग, रोड ब्लॉक की गई है, कोर्ट के पास, ईडी दफ्तर के पास और आईटीयू मेट्रो स्टेशन के भी बंद करने की आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बारे में का थोड़ा आखिर क्या वजह है क्या? ठीक, बेसिकली हमारा थर्ड डिसीजन के पीछे यही तो रीजन है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन है, आईटीयू एक बहुत ही बिजी जंक्शन है जहाँ पे काफी ट्रैफिक का फ्लो रहता है, वहाँ पर अगर लोग इकट्ठा होकर कुछ जाम वाम करेंगे तो ताकि हर मिले ट्रैफिक, और दूसरा जो है सिक्योरिटी कंसर्न है कि राजधानी कोर्ट है उसके आसपास में अगर गैदरिंग ज़्यादा होता है तो फिर वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम फेस होते हैं, और ना केवल ये केस बट बहुत सारे अदर केसेस भी, इंपॉर्टेंट केसेस भी ट्रायल पर चलते रहते हैं, तो कोर्ट के सिक्योरिटी को लेकर भी हम अलर्ट रहते हैं कि कोई इस तरह का लार्ज गैदरिंग और अनचेक गैदरिंग ना रहे। सर, आसपास एरिया में सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज है, पहले से ही इम्पोज है, तो प्रोटेस्ट अगर ये लोग करते हैं तो डीडीयू मार्ग पे सेक्शन 144 इम्पोज है, क्योंकि कोई डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं है जो डीडीयू मार्ग है, ये कोई प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज होता है क्योंकि भाई बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस इस रोड पर। सर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है, किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं? बेसिकली हमने नागरिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं कि किस तरह का सेम टाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कोर्ट के आसपास स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं उसको भी एड्रेस कर सके, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के और जो सिक्योरिटी है उसका। सर, जैसे आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भी काफी ज्यादा बैरिकेटिंग, रोड ब्लॉक की गई है, कोर्ट के पास, ईडी दफ्तर के पास और आईटीयू मेट्रो स्टेशन के भी बंद करने की आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बारे में का थोड़ा आखिर क्या वजह है क्या? ठीक, बेसिकली हमारा थर्ड डिसीजन के पीछे यही तो रीजन है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन है, आईटीयू एक बहुत ही बिजी जंक्शन है जहाँ पे काफी ट्रैफिक का फ्लो रहता है, वहाँ पर अगर लोग इकट्ठा होकर कुछ जाम वाम करेंगे तो ताकि हर मिले ट्रैफिक, और दूसरा जो है सिक्योरिटी कंसर्न है कि राजधानी कोर्ट है उसके आसपास में अगर गैदरिंग ज़्यादा होता है तो फिर वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम फेस होते हैं, और ना केवल ये केस बट बहुत सारे अदर केसेस भी, इंपॉर्टेंट केसेस भी ट्रायल पर चलते रहते हैं, तो कोर्ट के सिक्योरिटी को लेकर भी हम अलर्ट रहते हैं कि कोई इस तरह का लार्ज गैदरिंग और अनचेक गैदरिंग ना रहे। सर, आसपास एरिया में सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्पोज है, पहले से ही इम्पोज है, तो प्रोटेस्ट अगर ये लोग करते हैं तो डीडीयू मार्ग पे सेक्शन 144 इम्पोज है, क्योंकि कोई डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं है जो डीडीयू मार्ग है, ये कोई प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज होता है क्योंकि भाई बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस इस रोड पर। ಅನುಕ್ಷಣ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.